हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज हमारे गांव में ये देखिए रोपा हो रहा है, धान की खेती हो रही है। इसमें मतलब क्या माहौल है, देख लीजिए मौसम एकदम ज़बरदस्त और सब यहाँ पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पास धान लगा रहे हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और बात कराते हैं क्या माहौल है इस पर, मज़ा आ रहा है। आप भी देखिए और मज़े करिए, गाँव का ये नज़ारा बेहतरीन। इस बार तो बारिश उतना बढ़िया नहीं हुआ, और आइए हम आपको ये रोपा का पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले ही खेत यहाँ पर पूरा इसको कई बार हल से जोता जाता है, उसके बाद पानी भर करके इसमें इसको बोलते हैं पानी करना, पानी कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको एक खेत में मोरी लगाया जाता है, उसको कबाड़ा, फिर उसको कबाड़ करके दूसरा खेत में ले जाते हैं। आइए हम सब कुछ दिखाते हैं वन बाई वन, मज़ा आ जाएगा। कम करें तो यहाँ पास है मोरी, अभी इसी को कबाड़ कबाड़ करके यहाँ पास जी, अभी इसी को खेत में ले जाएंगे, ले जाए दो तीन ठो खेत हम, और इसको अभी यहाँ से खेत में ले जाके डाल देंगे, उस पर खेत में एक एक वो निकाल के उसको बोएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस को, और ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। बट अफसोस कि बारिश होना चाहिए था, लेकिन बादल ही है, बारिश होगा तब मज़ा आएगा। ये देखिए गीली पगडंडियाँ, इस पर चलने का अलग ही मज़ा है। रुको भाई रुको, ये मेरा हो गया काम, तो ऐसे बोल देते हैं उसके बाद लग जाएगा धीरे। और अभी आपको जो और है पिक्चर दिखा, बहुत टाइम काम करने के बाद अब हो गया वक्त भोजन का। आइए हम लोग देखते हैं भोजन में क्या है, क्या क्या है सर। ना घर लग है जी, क्या है भोजन में आपका? चावल दाल हमारा मरचा है, और क्या है? चोखा है। चोखा है, दिखाइएगा था ना इधर, वो ब्लॉगर हम, वो फूड ब्लॉगर है। अच्छा ये रहा, ये है अमड़ा मरचाय और फिर चोखा है, दाल है, चावल है। दिन भर काम करने के बाद यही भोजन मिल रहा है ना जी, यही किसान के जीवन है ना। पेड़ के नीचे ठंडा ठंडा हवा और ये भोजन, और अभी जस्ट इधर काम करके आए हैं, यू नो बेटर, फिर यही खाना है। ठीक है, खाना खाइए आप।